एक जो म्यूटेशन आपका जो है कैंसिल हाँ हो गया 2009 में हो गया, नहीं, हमने ही करवाया था, तो हमारी अपील में हुआ है, आपकी अपील में हमने ही हुआ है अपील की थी रेवेन्यू अथॉरिटी को, जो उसी म्यूटेशन, गलत वो जो म्यूटेशन कर दिया था। कैंसिल हाँ जो म्यूटेशन कैंसिल हो गया तो जी, प्रॉपर्टी पिताजी की रहेगी नहीं रहेगी? नहीं मगर सर हमारा ये है उसमें, आपका तो सब कुछ है उसमें, 13 नंबर उसमें हमारा राइट इन्वॉल्व है उसमें आप मेरी बात समझिए, आपका राइट कहाँ से आया जी, जी बताइए ना, कहाँ से आया? फादर फादर से आया हमारा से आया, जी। और फादर के संबंध में जो म्यूटेशन पंजी से म्यूटेशन हुआ था वो कैंसिल कर दिया दोनों अदालत ने, भाई वो तो ठीक है वो ठीक है तो फिर गलत क्या है? जी आप बताइए ना, आराम से बताइए भाई, जी आप माते कहाँ से हुए? पिताजी के मार्फत, जी पिताजी की संपत्ति का म्यूटेशन हुआ, जी वो उससे प्रॉपर्टी नाम पे आ गई किन्हीं किन्हीं लोगों के, तो जी वो जो जब जब वो म्यूटेशन कैंसिल हो जाएगा तो पिताजी के नाम ही तो जाएगी प्रॉपर्टी। नहीं सर, क्या हुआ, पिताजी का हिस्सा जो था वो हाँ हिस्सा हमें पिताजी दे के कैसे चले, मिला, वो क्या हुआ जो कैसे वो मिला बताइए ना, हमें म्यूटेशन करा के दे गए वही थे। वाला म्यूटेशन ना जो कैंसिल हो गया, नहीं वो नहीं, वो अलग है, दूसरा कौन सा है? वो वो नहीं, वो दूसरा है, दूसरा है सर। देखिए प्रकार की वो बातें करना आप लोग जो है, वो दूसरा है तीसरा है कुछ बताना करना है, बता हमारे फेवर में जो हुआ था बाद दिया में, कौन सा है? ये एग्जीबिट अरे नहीं, अदालत ने तो आपके खिलाफ लिखा है भाई, 2009 में हमारे जो हमारे तो पूरे पक्ष में है, पिताजी कब एक्सपायर हुए ये भी नहीं मालूम आपको? ये तो कहीं दिख नहीं रहा है। 1980 में, 80 में, 80 में एक्सपायर हो गए, 80 वो हाँ जो वही ना जी, म्यूटेशन था वो खत्म हो गया जो है जाके 2005 वाला या जो भी था वो 97 वाला, 97 नहीं वाला, तो 97 वाला जो था वो क्लियर गलत पार्टीशन करा उसके लिया था खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाइए, सर। मेरा मेरा एक और कहना है, बताइए ना। ये ओरिजिनल मैंने देखा उसमें, 13 नंबर 9 जो है, हमें जो आपको सर्टिफाइड बता दीजिए, मैं हमेशा तैयार हूँ हर बात के लिए, मैं इसको रिव्यू करने को तैयार हूँ, आप मेरे को 96/2 और 180/2 का हिसाब दे दीजिए, ये किसकी जमीन है? ये पिताजी की आपकी? थी, अरे होगी पिताजी की, पिताजी और के इसके बाद बाद तो संपत्ति पिताजी होगी, हमको देके और कब्जा देके चले बताए वो गए। कागज, कागज तो नहीं है, बस यही तो मैंने लिखा है, यस, मैंने यही लिखा है, मगर सर हमारा कोई पजेशन बात है तो नहीं ना। है आपको, आपका कब्जा है बनाए रखिए, झगड़ा हाँ दीजिए वो उसको, वहां मिसयूज ना करें इस ऑब्जर्वेशन का, करेंगे क्यों नहीं करेंगे, तो हम हमें ठीक वो है, हमें करेंगे लिबर्टी करेंगे। रहे कि हम उसमें ऑब्जेक्शन करके हम आप अपना एडवर्स पोजीशन के आधार पे हमारा आपको कौन रोक रहा है? आप दावा तो कल जाके लगाओ ना, वो तो बता रहे हैं कि हाईकोर्ट का आर्डर है वो इसलिए आप नहीं, वो नामांतरण तो आपका हटेगा, जी, आमंत्रण आपका जो है जी, एडवर्स पोजीशन से कब्जा हमें जो लिबर्टी रहे है सुनना है, जी एडवर्स पोजीशन से कम मिलता है राइट जी जब कौन सिविल सूट में दावा, सिविल सिविल कोर्ट में दावा लगाते हैं, से, हाँ तो लगाएंगे हम तो आप लगाइए, जी कौन रोक रहा है? जी एक और सर थोड़ी सी, देखो मैंने अभी ओरिजिनल रिकॉर्ड देखा सर, आपका एक रिकॉर्ड खराब है एक्चुअली, सर आपकी संपत्ति अपने नाम करा ली, एक और उसमें ओरिजिनल आर्डर जो है उसमें 13-12 हैं, ये लगता है अपलोड वाला जो हमको सर्टिफाइड कॉपी दी है वो 13-10 की है, देख ले थोड़ा ओरिजिनल, मैंने अभी क्या इंस्पेक्शन कर रहा था तो वो दिख गया, तो उसमें थोड़ा 13 नंबर 9 की जगह 10 ऑब्जर्वेशन आ रहा है, थोड़ा देख ले ये थोड़ा। गलती हो गई होगी, हमें भी इसमें लग रहा है इन्होंने कुछ गलती की है, नहीं मुझे लग रहा है कि कंप्यूटर वालों की गलती लग रही है, ये उसमें अपलोड लगता है पुराना ड्राफ्ट हो गया ये गलती है इसके अंदर, जी क्योंकि सर जो ओरिजिनल ऑर्डर है ना जी उसका पैराग्राफ 8 है, उसके अंदर एग्जीबिट D1 भरा हुआ है, इन लोगों ने जो है इसमें खाली छोड़ दिया है, जी सर, पैरा 7 में और पैरे भी 12 तक चले गए पैराग्राफ 12 तक चले गए इन्होंने, जो जो अनअमेंडेड था वो उसकी उस पर अपलोड कर दिया है, जी, वही 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 मेरा निवेदन सर, ये तो मैं आपके अंदर जाके हम बता सुप्रीम कोर्ट नहीं दूंगा, जाना चाह रहे सर, हमें तो हम अपनी पुलिस और सिविल सुप्रीम, इससे ये पैरा नंबर जो चेंज हो गए हैं इससे क्या फर्क पड़ रहा नहीं उसको उसको नहीं मैंने बताया, नहीं मगर वहां पे पेश कर रहे हैं ये वो वाला आ रहा पुराना वाला, आप लोग क्या कर रहे जो हैं? सर्टिफाइड और इसी के साथ मेरा ये कहना है कि इसमें करेक्शन करेक्टेड वाला जो करेक्ट है उसको अपलोड करवा दें, करवा देख उसकी लेंगे, सर्टिफाइड कॉपी हम लेके फिर वो कर सकें, हम सर सिविल सूट लगा सकें और हम अपने आपत्ति लगा सकें नामांतरण में, उस लिबर्टी के साथ विड्रॉ कर दें हमारी। इसके अंदर जो लिखा हुआ है जी
पैराग्राफ 10 जो है हाँ, वो 10 में गया है। काउंसिल फॉर द अपील एंड सबमिट दैट ऑन द वन हैंड द डिफेंड नंबर 1 हैज चैलेंज्ड द पार्टीशन ऑन पंजी विद रिगार्ड टू द लैंड खसरा नंबर। आप डिफेंड नंबर 1 ही थे ना? लैंड खसरा नंबर 94/3 कवर्ड बाय सेल डीड बट ऑन द अदर हैंड हैज टेकन द बेनिफिट ऑफ द सेम सेड पार्टीशन इफेक्टेड ऑन पंजी एंड इज क्लेमिंग एक्सक्लूसिव टाइटल। आप दोनों हाथों में लड्डू नहीं दोनों हाथों में लड्डू ले रहे थे, वो बहस लिखी है हमने। अदर एंड हैज टेकन द बेनिफिट ऑफ द सेड पार्टीशन इफेक्टेड ऑन पंजी एंड इज क्लेमिंग एक्सक्लूसिव टाइटल ऑन द अदर ज्वाइंट लैंड खसरा नंबर 96/2 एंड 180/2। ये वही वाली ठीक है ना जी? 180/2 of Kamaraiyagunj. If it is so, then it is hereby observed that after cancellation of partition effected on Panji, the land khatra number 96/2 and 180/2 area surrounding to which even as per admission made in para 2 of the written statement of defendant was of the ownership of Balram would be reverted back and be recorded in the name of Balram and in absence of any proven testament, the same would go to all the... So, ye upload karwa de sir. हम इस रिव्यू को वापस इस लिबर्टी के साथ ले रहे हैं, हम ऑब्जर्वेशन के लिबर्टी के साथ कि हम हमारा सिविल सूट लगाएं और आपत्ति लगाएं आमंत्रण पे हमारे एडवांस पोजीशन या जो भी हमें अवेलेबल हुए। हमने पेश किया इस पर नोटिस गए हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है? ये तो हमेशा जो है दावा लगाने के लिए सोचते हैं, क्या फर्क पड़ता है? कोई सर विड्रा इस लिबर्टी के साथ सुनिए सुनिए जी बताइए, ये बहुत गलत है। हां अंदर जा कैसे हो सकता है? देखिए पैरा जो है 12 है, उसमें 11 है जो कॉपी दी गई है। ड्राफ्ट अपलोड हो गया लगता है सर, किसी का भी हो है सब ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? सब ने सर वो वहां दिस रिव्यू पिटीशन हैज बीन प्रेफर्ड बाय दी कौन है आप? हम डिफेंडेंट, आप रिस्पोंडेंट थे ना इसमें? हाँ इसमें रिस्पोंडेंट डिफेंडेंट बाय दी पिटीशनर नंबर 1 बाय दी पिटीशनर कमलेश who was respondent number 1 in the second appeal 1857/2 by challenging the observation made in para 10 of the order in respect of effecting of mutation effecting of in respect of observation the ownership of Balaram over the suit property after cancellation of partition effected on Panji. List of Learned Council, next member Learned Council submits that although the mutation effected on Panji was cancelled, right. but the petitioner is in possession of land. सर्वे नंबर 96/2 एंड 180/2 एंड ही मे बी ग्रांटेड लिबर्टी एंड दिस पिटीशन एंड दिस रिव्यू पिटीशन मे बी डिस्पोज्ड ऑफ विद द लिबर्टी टू द पिटीशनर टू फाइल सूट फॉर declaration of title and permanent injunction on the basis of his possession national karna his exclusive possession over these two lands national karna if the petitioner is in possession of the property and wants to file the suit for declaration of title and permanent injunction on the basis of his exclusive possession from a no liberty is required for this purpose and he is always free to file the suit in accordance with the law. My lord, item number 28, my lord, bidda, my lord. Accordingly, this petition is, this review petition is disposed of. Petition will be entering application of any self-restraint disposed. Item 28, my lord, bidda, my lord. 28? Yes. ये अंदर ले जाके बता देना. Well, court, it may be observed that court has not expressed any opinion on the merits of the opposition. It is made clear that this court has not expressed any opinion on merits of the case. Actually, क्या है कि कोई दावा लगाना है उसको कोई रोक सकता है कि नहीं? वो नहीं रोक सकता, आपका ये exclusive position वाला that I am denying. ये कह रहे हैं कि हम लगाना चाहते हैं, लगाओ जी, ये petition तो खारिज हो गई ना, that line may kindly be added, that line may लगा दी ना, express वाला लगा दिया आप,
तो आपका नाम लिख लीजिए। अच्छा, विड्रॉ करना चाह रहे हैं? विड्रॉ करना चाह रहे हैं? पारिवारिक विवाद था उनका। लर्नेड काउंसिल फॉर द पार्टी सबमिट दैट द पार्टीज हैव सेटल्ड देयर डिस्प्यूट एमिकेबली एंड कॉमा देयरफॉर लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटीशनर सबमिट दैट ही डज नॉट वांट टू प्रेस दिस मिसलेनियस पिटीशन सो नेक्स्ट अकॉर्डिंगली द फ्रेंड्स ऑफ पिटीशन इज डिसमिस्ड एज नॉट प्रेस्ड इंटरिम एप्लीकेशन इफ एनी साइड स्टैंड डिस्प्यूट। आइएगा ना अभी पास ओवर में, पास ओवर लंच के बाद हो गया।